यहाँ से लेकर 80 घाट से लेकर राजघाट जितने भी मंदिर वगैरह हैं सब जलमग्न है। आधी मंदिर तो डूब चुकी है और आधी मंदिर जो बची हुई है वो भी हमें लगता है कि आने वाले कुछ समय में डूब जाएगी। बहुत पानी था, कमर तक पानी था, सब में पानी पानी था, इसे मारे नहीं गए इसको। हाँ, बाढ़ के हालात इतने खराब हैं, सारी बस्ती डूबी पड़ी है, स्कूल डूबा पड़ा है, एक जगह नहीं कम से कम इस क्षेत्र में 15 गांव की आबादी सब डूबी पड़ी है। पानी भर रहा है, हम लोग का भीग रहा है, हम लोग काम नहीं कर पा रहे हैं। बारिश से मचा हुआ है हाहाकार। स्वागत है आपका त्वरित में। त्वरित विशेष में आज बात बाढ़ और बारिश की ही होगी। भारी बारिश ने यूपी में पिछले एक महीने में काफी तबाही मचाई है। आगे तस्वीरें दिखाने से पहले आपको पूरे देश में बाढ़ बारिश का अपडेट दे देते हैं। बाढ़ बारिश से देश भर में अब तक 600 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। यूपी में 1 जुलाई से अब तक 165 लोगों की मौत हो गई है। यूपी में पिछले 2 दिनों में अगर बात करें तो 17 लोगों की मौत और 14 लोग बारिश और उससे जुड़ी हुई घटनाओं के चलते घायल हुए हैं। असम में भी 8 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। असम में 41 लोगों की मौत मौसम की मार से हुई है। पूर्वी यूपी में कुछ हिस्सों में आज भी बारिश का अनुमान है। यूपी में ज्यादातर मौत बारिश में दीवार घर ढहने की घटना में हुई है। तो वही बात करें सबसे पहले बात यूपी में बारिश से अस्त व्यस्त हुई जिंदगी की। यूपी का जौनपुर बारिश से जलमग्न हो गया है। जौनपुर में हो रही भारी बारिश से शहरी इलाकों में पानी भर गया है। जौनपुर में अभी भी बारिश होने की जानकारी मिल रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जौनपुर के दर्जन भर मोहल्ले डूब गए हैं। स्कूल की बस बच्चों को लेकर इसी पानी में जा रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं जहाँ पर ये बस जो है वो अपने टायर तक डूबी हुई है और इसी बारिश में ये बच्चे स्कूल जाने को मजबूर हैं। गली मोहल्ले हों या मुख्य सड़कें हों, हर जगह पानी ही पानी है। घुटनों तक पानी में लोग आने जाने को मजबूर हैं। और आपने अभी अभी तस्वीर देखी जहां पर लोगों को किस तरीके से इसी पानी में से होकर गुजरना पड़ा। ये देखिए, बाइक आधी से ज़्यादा पानी में है और उसी में चलने को मजबूर हैं स्थानीय लोग। ये सभी तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये प्रशासन के दावों की पोल खोलते हैं कि किस तरह से पानी की निकासी की व्यवस्था न होने के कारण जो लोग हैं उन्हें किस तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो इन्हीं बारिश में, इसी बारिश में स्कूल जाने को मजबूर हैं। यूपी के जौनपुर की तस्वीरें हैं ये बिल्कुल। और सुबह से ही वहाँ लगातार बारिश हो रही है जिससे शहरी इलाकों में भी पानी भर गया है। इससे पहले हमने आपको आंकड़ा दिखाया था कि किस तरह से यूपी में ही हादसों में कई लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग घायल भी हुए हैं। अब आपको कानपुर लिए चलते हैं। कानपुर के बिल्लौर में रेलवे ट्रैक के नीचे बने अंडरपास में पुलिस की गाड़ी पानी में फंस गई। तस्वीरें आप देख रहे हैं, यूपी पुलिस की डायल 100 की गाड़ी पानी में फंसी हुई दिखाई दे रही है। पुलिस की गाड़ी पर 3 पुलिसकर्मी सवार हैं। रेलवे ट्रैक के नीचे फंसी इस गाड़ी को क्रेन की मदद से निकाला गया। ये कल की तस्वीरें हैं, यूपी पुलिस की गाड़ी रेलवे अंडरपास में फंस गई। देख सकते हैं कि कितनी मुश्किल में यूपी पुलिस। कानपुर की ये तस्वीरें हैं जहां पर पुलिस की गाड़ी ही डायल 100 की गाड़ी जो है वो किस तरीके से पानी में फंस गई वो आप देख सकते हैं और किस तरीके से इसमें 3 पुलिसकर्मी
खुद को बचाते हुए गाड़ी के ऊपर बैठे हुए हैं और क्रेन की मदद से आखिरकार पुलिस की गाड़ी को बाहर निकाला गया। यूपी के कानपुर की तस्वीरें देखिए, अब आपको रायबरेली लिए चलते हैं जहां बारिश के बाद सीवर का पानी घरों में घुस गया है। जी हां, सीवर का पानी। भारी बारिश से शहर में जलभराव झेल रहे लोग पहले ही परेशान थे, अब तो सीवर का गंदा पानी घरों में बेडरूम में घुस गया है। गंदा पानी घर में घुसने से लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। बदबू की वजह से खाना सोना सब मुश्किल हो गया है। ये तस्वीरें रायबरेली की हैं जहां पर प्रशासन की लापरवाही की वजह से किस तरह से बारिश में सीवर का पानी, गटर का पानी लोगों के घरों तक घुस गया है। और ये पानी जितना गंदा होता है, जितना प्रदूषित होता है, ये लोगों के लिए उतना ही खतरे की बात भी होती है, क्योंकि इस पानी से कई बीमारियों के फैलने का भी डर होता है। और यही पानी अब लोगों के घरों तक घुस गया है, लोगों के बेडरूम और लोगों के किचन तक घुस चुका है, जिसमें रहने वाले लोग, छोटे छोटे बच्चे किस तरह से देख रहे हैं कि स्टूल के ऊपर ये खड़ी है महिला, और अपने किचन में भी ये जो पानी है, सीवर का जो पानी है, वो घुस चुका है। यूपी में कई दिनों से हो रही बारिश का शहर के साथ जिस पर असर पड़ा है वो है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। इटावा में हो रही लगातार बारिश से एक्सप्रेसवे में दरारें आ गई हैं, जिन्हें भरने का काम चल रहा है। आपको याद दिला दें कि ये वही एक्सप्रेसवे है जिस पर फाइटर प्लेन उतारकर इसकी मजबूती के दावे किए जाते थे, लेकिन बारिश ने उन दावों पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, फाइटर जेट्स उतर रहा था जिस एक्सप्रेसवे पे, उसके ये हालात हैं कि वहां बारिश के चलते दरार आ गई है। दरार भरने का काम तो चल रहा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या बारिश इतनी जबरदस्त हुई कि जहां पर फाइटर प्लेन उतरा था एक समय, वो एक्सप्रेसवे अब बारिश से किस कदर बदहाल हो गया, ये आप तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं। अखिलेश सरकार का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था और किस तरह से इस ड्रीम प्रोजेक्ट के भी दावे खुले हैं, ये आपने तस्वीरों में देखा। इटावा में जिस आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में दरार आई, उस पर अब के मुख्यमंत्री, तब के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उद्घाटन में फाइटर प्लेन उतरवाकर एक्सप्रेसवे के मजबूत होने के दावे किए थे। आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। अभी ये दो तस्वीरें पहली यानी बुधवार को आगरा में है, इसी आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। सर्विस लेन का बड़ा हिस्सा आगरा में धंस गया था, जिसमें करीब 50 फीट गहरी खाई बन गई थी। तो तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से उद्घाटन में ये फाइटर प्लेन उतरा था, इसकी मजबूती दिखाई गई थी, और वहीं इसकी मजबूती की पोल तब खुली जब 1 अगस्त की तस्वीरें दूसरे में आपको दिखा रहे हैं, जब सर्विस लेन में एक गाड़ी जो ये धस गई, जिसमें गाड़ी फंस गई, 50 फीट तक का इसमें गड्ढा हो गया था, गाड़ी को किसी तरह से निकाला गया, इसमें फंसे लोगों को किसी तरह से निकाला गया। अब इस गड्ढे को भरने का काम चल रहा है, लेकिन ये मजबूत कितना है, इसकी दावे की पोल खोल दी है एक बारिश ने। एक बार फिर से आपको कानपुर लिए चलते हैं। कानपुर में लगातार बारिश से जलभराव के साथ साथ एक और मार लोगों पर पड़ रही है। शहर के कई इलाकों में पानी भरा हुआ है, तो वहीं नदियां भी रौद्र रूप धारण कर चुकी हैं। कानपुर नगर से गुजरने वाली पांडू नदी डराने लगी है। दर्जनों गांव के लोगों को घर बार छोड़ना पड़ा है। गाँव में पानी घुसने की वजह से लोगों को पलायन करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कानपुर की, जहाँ पर दर्जन भर गाँव में पांडू नदी का पानी घुस गया है, जिसके चलते लोगों की मुसीबतें बढ़ गई है। गांव में पानी घुसने से लोग पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। घुटनों से भी ऊपर पानी में लोग आपको यहां चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। दर्जन भर गांव में पांडू नदी का पानी घुस गया है, और कानपुर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। यूपी के बहराइच की हालत भी कुछ अलग नहीं है। बहराइच में 4 घंटे की भारी बारिश के बाद पूरा शहर तालाब में बदल गया। सरकारी अस्पताल से लेकर विधायक आवास हो या कोई अन्य इलाका, चारों तरफ पानी ही पानी भर गया। लेकिन अस्पताल में पानी भरने से मरीजों और उनके परिजनों को गंदे पानी में अस्पताल आना जाना पड़ रहा है, जिससे वो नगर पालिका पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी के विधायक सुभाष त्रिपाठी के घर में भी पानी भर गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं बहराइच से, जहां अस्पताल के अंदर पानी भर गया। जो मरीज खुद बीमार होकर आते हैं, उन मरीजों को इस गंदे पानी में रहना पड़ रहा है, उनके परिजनों को इस गंदे पानी में रहना पड़ रहा है, यानी कि और बीमारियों को न्योता ये गंदा पानी दे रहा है, और प्रशासन की इसने पोल खोल कर रख दी है।
यूपी के गोंडा में पिछले 5 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। गोंडा के कटरा बाजार क्षेत्र में मकान गिरने से कल एक 10 साल की बच्ची की मौत हो गई। वहीं गोंडा फैजाबाद मार्ग पर भी एक पीपल का पेड़ गिर गया, जिसकी चपेट में आकर एक शख्स की मौत हो गई। गोंडा में आज और कल 8वीं तक के स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। शहर के कई इलाके में पानी भरा हुआ है। जिला अस्पताल भी तालाब में तब्दील हो गया है। गोंडा में आज और कल स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। गोंडा में 5 दिनों की बारिश से वहां के लोगों का बुरा हाल है। मकान गिरने से वहां 10 साल की एक बच्ची की मौत भी हो गई है। यूपी के ही सोनभद्र में पिछले 10 दिनों से हो रही बारिश में बलुई बांध टूट गया। बांध टूटने से कई गांवों के डूबने की आशंका बढ़ गई है। बांध टूटने की खबर मिलते ही जिलाधिकारी समेत बड़े अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। ये तस्वीरें देख रहे हैं सोनभद्र की, जहां पर बांध टूटने से कई गाँव से संपर्क टूट चुका है। यूपी के सोनभद्र में बलुई बांध टूटा है, जिससे आसपास के जितने गांव थे उनका आपस में संपर्क टूट गया है। जिलाधिकारी और जितने अधिकारी थे वो मौके पर पहुंचे, उन्होंने इस हालात का जायजा लिया, लेकिन बारिश ने इन गांवों के आसपास आफत मचाई हुई है। अब खबर हरिद्वार से, जहां कांवड़िया घाट पर नहाते हुए गंगा की धारा में बह गया। तस्वीरों में देखिए कांवड़िया बह रहा है, उसको बचाने के लिए एक पुलिस वाला उसके साथ है, जिसने कांवड़ियों को रस्सी से बांधा हुआ है। ये दूसरा पुलिसकर्मी भी कांवड़ियों को बचाने के लिए गंगा में छलांग लगा देता है। कांवड़ियों को रस्सी के सहारे खींचा जा रहा है और आखिरकार उसकी जान बचा ली गई। तस्वीर में देख रहे हैं आप किस तरीके से गंगा के तेज बहाव में बह रहे कांवड़िये की जान बचाई गई। रस्सी के सहारे पुलिसकर्मी ने इस कांवड़िये की जान बचाई। कांवड़िये के रेस्क्यू की ये तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन्स पर देख सकते हैं, जहां रस्सी की मदद से उसे गंगा के तेज बहाव से बाहर निकाला गया। एबीपी न्यूज भी आपसे दरखास्त करता है कि अगर आप ऐसे इलाकों में रहते हैं तो अपना ख्याल जरूर रखें। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।